नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं करियर कैनवस शो, योर अल्टीमेट सोर्स फॉर जॉब वैकेंसीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में निकली कई जॉब वैकेंसीज के बारे में नई अपडेट्स। लेकिन शो शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, हमारे रितम चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करियर कैनवस शो। भारत सरकार का उपक्रम नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीधी भर्ती के आधार पर विभिन्न पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। रिक्तियों में उप महाप्रबंधक सतर्कता, सहायक प्रबंधक सतर्कता, कई प्रबंधन प्रशिक्षु पद और कृषि, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन और मानव संसाधन जैसे विषयों में विभिन्न प्रशिक्षु भूमिकाओं में शामिल हैं। योग्यता, वेतन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए आप www.indiaseeds.com पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। भारतीय तटरक्षक बल सीधी भर्ती के माध्यम से नागरिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपलब्ध पदों में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के साथ एक ड्राफ्टमैन और दो एमटीएस भूमिकाएं शामिल हैं। इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट www.indiacoastguard.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। रिक्तियों में संयुक्त प्रमुख वित्त, उप प्रमुख कानूनी, एकीकृत वित्तीय सलाहकार और कई सहायक मुख्य भूमिकाएं शामिल हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया जाता है। विस्तृत योग्यताएं और आवेदन प्रारूप CERC वेबसाइट पर पाए जा सकते हैं। आवेदन 29 नवंबर 2024 तक जमा किए जाने चाहिए। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपलब्ध पदों में रजिस्ट्रार और तकनीकी सहायक शामिल हैं। चयन सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति या अनुबंध के माध्यम से होगा। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.rcb.res.in पर जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 है। वित्त मंत्रालय के तहत अप्रत्यक्ष कर और वेशभूषा CBIC नई दिल्ली के समुद्री विभाग में गैर मंत्रालय पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। भारतीय नौसेना या तटरक्षक बल से सेवानिवृत्त नाविक कुल 9 रिक्तियों के साथ इंजीनियर समुद्री, इंजीनियर हल और कप्तान सहित विभिन्न भूमिकाओं में पुनः रोजगार के लिए पात्र हैं। आवेदन आज से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए www.cbic.gov.in या www.dolcbec.gov.in पर जाएं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन विभिन्न संकाय और गैर संकाय पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। रिक्तियों में विभिन्न श्रेणियों में प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर शामिल हैं, जिनमें कुल 50 अस्थायी रिक्तियां हैं। भारतीय नागरिकों से आवेदनों का स्वागत है और उन्हें आज से 30 दिनों के भीतर ऑफलाइन जमा किया जाना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया और श्रेणीवार रिक्तियों सहित अधिक जानकारी के लिए www.aimsgorakhpur.edu पर जाएं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग जॉब वैकेंसीज हैं, आप बताए गए तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आज का शो खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर से रितम ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप पर आपको दुनिया और इतिहास के बारे में अलग अलग भारतीय भाषाओं में यूनिक कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। जल्द लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया एपिसोड, लेकिन तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।